वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबके स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम आपके कनेक्शन में और आपके पर्सन में फुल मून इफेक्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि फुल मून के बाद आपके पर्सन की अभी करंट डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड ऑल्सो फुल मून इफेक्ट से आपके कनेक्शन में आपके पर्सन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है या क्या बेसिकली हो सकता है आपके कनेक्शन में। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। और मैं लाइव आई थी आज, और मैं दो टाइम मैं लाइव आई, बट नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मुझे बीच में ही रोकना पड़ा लाइव को। आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा नोटिफिकेशन, आप लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा लाइव को। तो मैं लाइव ही रीडिंग करने वाली थी, बिकॉज मुझे थोड़ा ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना था और अभी स्पेस नहीं है कैमरे में, सो आई थॉट ऑफ गोइंग लाइव। ओके, तो उससे क्या होता है, स्पेस का इशू नहीं होता है, बट आई डोंट नो वाई नेटवर्क इशूज़ बार बार आए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर मैं फिर से मैंने ट्राई किया और फिर से इसी तरीके के नेटवर्क इशूज़ बीच में आ गए, बीच में ही मुझे रोकना पड़ गया, तो फिर आप लोग ही वेट करते रहोगे। ओके, बिकॉज आई नो कि आप लोग कितना ज़्यादा वेट करते हो कि एक न्यू रीडिंग आए, न्यू प्रेडिक्शन आए। ठीक है, मुझे DMs वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। सो यस, सो थॉट ऑफ कि चलो लाइफ को साइड में करते हैं, गेट बैक इन टू इट। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारे पास अभी दो ऑप्शन हैं। ओके, और आज आपको अपना साइन चूज़ करना है। ठीक है, आज आपको अपने पर्सन का नहीं, अपना ही साइन चूज़ करना है। आप अपना सन साइन चूज़ कर सकते हो, आप अपना मून साइन चूज़ कर सकते हो, आप अपना राइजिंग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपना वीनस साइन चूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साइन, कौन से राशि के साथ आपका ज़्यादा जुड़ाव है, आप कौन सा राशि ज़्यादा चेक कर करके देखते हो, कौन सा साइन ज़्यादा आप चेक करते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। इन केस जैसे कि कोई कोई कल्चर में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लामिक में उनका कुंडली नहीं बनता या फिर उनको पता नहीं होता है कि उनका साइन कौन सा है, राशि कौन सा है, तो उसमें आप जो है इंट्यूटिवली कलर के अकॉर्डिंग भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपना साइन वगैरह नहीं मालूम है तो आप इंट्यूटिवली यहाँ पर ब्लू कलर, ठीक है, ग्रुप वन के लिए, और ग्रुप टू के लिए हमारे पास है पिंक कलर। ठीक है, तो अभी मैं साइंस बता देती हूँ। सो अगर आपका साइन सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि धनु, तुला, वृषभ, मिथुन, मीन या वृश्चिक है, तो आपको ग्रुप वन चूज़ करना है। ठीक है, या फिर इंट्यूटिवली आप ब्लू कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी साइन एरीज, वेरगो, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉन या कैंसर, यानी कि मेष, कन्या, कुंभ, सिंह, मकर और कर्क है, तो आपको ग्रुप टू चूज़ करना है, या फिर इंट्यूटिवली आप इस पिंक कलर कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। वैसे टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नेक्स्ट बैच के लिए। ओके, पहले से आप कॉन्टैक्ट करके एनरोलमेंट करवा कर रख सकते हो, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। और फिर बाद में मुझे बीच बीच में मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे एनरोल करना, ये करना है, वो करना है। सो अगर आप चाहते हो सीखना तो आप पहले से एनरोल कर सकते हो, ताकि आपको बाद में ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कि धनु, तुला, मिथुन, मीन, वृषभ या वृश्चिक हैं, तो आपको ग्रुप वन, और आपने ग्रुप वन चूज़ किया है, या फिर अगर आपको अपना साइन नहीं पता और आपने इंट्यूटिवली इस ब्लू कलर कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं फुल मून इफेक्ट जो है वो आपके कनेक्शन में किस तरीके से आ रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव वगैरह सब कुछ देखेंगे। पूरी तरीके से फुल मून इफेक्ट हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते में, आपके पर्सन में। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। टैरो सीखने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन आप आराम से सीख सकते हैं। सो या, और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव द एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स,
वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जजमेंट. ओके सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए. यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. यहाँ पर है सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जो आपके पर्सन के किसी भी यू नो बर्थ चार्ट में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं. ओके यस सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए. मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली अपने डीड्स के लिए, अपने कर्मों के लिए, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं उन चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ना वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं. उनका ऐसा लग रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बींग है और जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी ख़राब चीज़ें हुई, जो दूरियां पैदा हुई, वो बस उन्हीं की वजह से हुई है. तो उन्हें ऐसा इस वक्त ऐसा फील हो रहा है, ठीक है. और साथ में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मच्योर महसूस कर रहे हैं अपने आप को. उनका ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें इस कनेक्शन में यू नो इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें लेनी है और उन्हें इस कनेक्शन में बैलेंस लाना होगा. उन्हें ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि अगर वो थोड़ा एफर्ट डालते हैं या फिर वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये रिश्ता फिर से जो है खुशनुमा होगा, फिर से इस कनेक्शन में बहुत प्यार आएगा और आप इन्हें फिर से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ठीक है. तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में होप जगा है आपको लेकर. इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें जस्टिस देना चाहिए आपके रिश्ते में, क्योंकि ये भी इंसान आपसे प्यार करते हैं. और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो प्यार करते हैं आपसे तो वो अब तक क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, अब तक इन्होंने यू नो एक मच्योर इंसान की तरह, एक जेन्युइन हम्बल इंसान की तरह उन्होंने कोई चीज़ प्रोसीड क्यों नहीं की, क्यों इनिशिएट नहीं किया कुछ. तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है. ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं. अगर सेपरेशन है, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट है, अगर ओके, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो इमोशनली, ये इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, ठीक है. ये इंसान साथ आपके लाइफ में लौटना तो चाहते हैं, साथ में आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है. तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हो या फिर अगर आप मैरिड हो तो अपने साथ यू नो किसी दूसरे घर में या नए घर में आपके साथ शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाह रहे हैं कि ये इंसान वापस आए आपके लाइफ में और आपको लेकर कहीं दूर पीसफुल जगह में चले जाएं जहाँ पर आप दोनों को कोई अलग ना कर सकें. आप दोनों अगर खुद भी चाहो एक दूसरे से जुदा होना तो तब भी जुदा ना हो पाओ, ऐसे वाला कंडीशन ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है. इस इंसान को आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से महसूस हो रही है, ठीक है. इन्हें पूरी तरीके से महसूस हो रहा है कि किस तरीके से जो है आपने अपने आप को चेंज किया है. तो अगर अभी आप इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, अगर अभी आप इनसे बात नहीं करते हो, अगर करते भी हो तो बहुत हो सकता है रूडली या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हो, तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ को सोच सोच कर कि आप कितने प्यारे थे और इस पर्सन के यू नो बिहेवियर ने आपको कितना ज़्यादा कठोर या कितना ज़्यादा यू नो रिजिड बना दिया है कि अब आप बबली रहे नहीं, ठीक है, जॉली टाइप के रहे नहीं. अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंडिपेंडेंट से हो गए हो, अकेले रहना ज़्यादा प्रीफर करते हो, कुछ बोलना प्रीफर नहीं करते हो, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो. ओके तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको प्यार दिया ही नहीं जो प्यार इन्हें देना चाहिए था, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है. हो सकता है कि दिया हो लेकिन इनको करंट फीलिंग्स इनकी यही चल रही है, ठीक है. तो इमोशनल लेवल पर बहुत सोच रहे हैं और साथ में उसमें एक प्रैक्टिकलिटी भी आ रही है कि कैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे वो वापस आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे आपको इतना सारा प्यार कर सकते हैं कि आप फिर से पहले जैसा हो जाओ, क्योंकि इनको आपके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है. मुझे लगता है कि पहले आप जैसे थे वैसे ये इंसान आपको बहुत पसंद करते थे लेकिन अब आप जैसे हो तो उनको लग रहा है कि इनके ही रूड बिहेवियर ने या फिर इनके ही पेन ने आपको चेंज किया है बहुत हद तक. तो जो चीज़ इन्हें अब अच्छी नहीं लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलती की है, ठीक है, इतने इनोसेंट पर्सन के साथ. यू नो हो सकता है कि पहले कैजुअल थे आपके साथ या यू नो आपको हर्ट किया है बातों बातों में, ठीक है, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो. ये सारी चीज़ें इस पर्सन को भी फील हो रही है, इनको अपने दायित्व फील हो रहे हैं. ओके विद द टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली बैलेंस बनाना चाहते हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो प्यार आपको दिया ही नहीं, ठीक है, आप ही करते गए आप ही करते गए. इनको ये चीज़ भी महसूस हो रही है कि आपने इनके लिए रात भर प्रेयर्स किए हैं या फिर इनको लाइफ में आगे बढ़ता देखने के लिए आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, ठीक है. तो अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आपका रहा है या फिर थोड़ा सा भी आपने यू नो सेल्फलेसली इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश की है, वो चीज़ इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है कि आपने इनके लिए क्या क्या किया था, कब किया था और किस तरीके से किया था, ठीक है.
तो ये एनर्जी आप इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि आप कितने ज़्यादा इनको आगे बढ़ता देखना चाहते थे, आप इनका ग्रोथ चाहते थे, इनकी हैप्पीनेस के लिए आप उस तरह प्रेयर्स करते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रत रखते थे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को भी याद आ रही है, ठीक है, कि आप इतने वैल्यूबल इंसान हो, आपने इनसे मांगा नहीं बल्कि आपने इनको दिया, लेकिन उसके बदले ये इंसान ने उस चीज़ की रिस्पेक्ट तक नहीं की। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है करंट मोमेंट में। करंट मोमेंट में ये सारी चीज़ों के रियलाइजेशन इस पर्सन को भर भर के हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि करंटली एक चेंज चाहते हैं, ठीक है, ईश्वर से एक मौका चाहते हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ ही ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है, और अगर वो ज़िंदगी में खुशी खुशी अगर जी पाएंगे तो वो सिर्फ आपके साथ घर बसाकर, आपसे शादी कर, या फिर अगर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो तो आपके साथ ही कंटिन्यू कर, ठीक है। और अगर ये इंसान ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, ठीक है, अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो तो भी इनका सिचुएशन ऐसा है, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है, तो ये दूसरे शादी में क्यों अटके हैं या दूसरी जगह में क्यों अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, जबकि असलियत में उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, आपके आपके बच्चे की, अगर आप सिंगल पेरेंट हो लेकिन किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक दूसरा मौका चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते, यूनिवर्स से चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा पता है कि उनकी क्या गलतियाँ थी और कहाँ पर वो अगर चीज़ों को करते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये बस यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि इन्हें एक मौका मिले ताकि ये इंसान आपके करीब आ पाएँ, आपको समझा पाएँ और आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आएँ जो इस पर्सन ने हो सकता है खींच ली हो, ठीक है। इस पर्सन की वजह से जो गुम हो गई है आपकी पीस, वो ये इंसान आपको वापस लौटाना चाहते हैं। ये इस पर्सन की करेंट फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चेंज होगा। ओके, फुल मून इफेक्ट जो है किस तरीके से आपके कनेक्शन में पड़ रहा है, क्या इस पर्सन की कोई नेक्स्ट मूव होगी अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो। वी हैव डोर टू वैल्यू नंबर 31, वी हैव एंजल ऑफ लव नंबर 49, 31 और 9+4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 13 है, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स। ओके, माई गुडनेस, डोर टू रोमांस नंबर 33, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स। ओके, तो आपके पर्सन की क्या नेक्स्ट मूव होगी। देखिए, फुल मून इफेक्ट तो बहुत शानदार तरीके से आपके रिश्ते में वर्क कर रहा है। ऑलरेडी उसका जो एनर्जी है वो आपके कनेक्शन में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पे दो डोर्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है, वो उनको ऑलरेडी आ चुकी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट पुट करेंगे ताकि जो चीज़ आप में बदल गई है, जैसे कि अगर आप कठोर हो गए हो, ठीक है, आप रिजिड हो गए हो, आप इस पर्सन को बिलीव नहीं करना चाहते, ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आपको डर लगता है प्यार करने से इस पर्सन को या किसी और को भी, तो ठीक है, तो वो परसेप्शन को ये इंसान चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ये इंसान आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको नेक्स्ट मूव नज़र आएगा कि ये इंसान ट्राई कर रहे हैं आप तक पहुंचने की। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने आ रहे हो, या फिर अचानक से ये इंसान आपसे मिलने आ गए कहीं पे, या फिर आपको कहीं अचानक से बोल रहे हो कि यहाँ पर मुझे मिलो या मिलने आओ, या मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ आपसे मिलने। ओके, या फिर कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, कुछ भी करें, ये इंसान बहुत जल्द ट्राई ज़रूर करेंगे कि आप दोनों के बीच में जो पैशन है, जो लव है, वो फिर से और ज़्यादा बढ़े, ठीक है, और अच्छे तरीके से चेंजेस आए। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे, आपको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि जो वैल्यू इस पर्सन ने पास्ट में आपको नहीं दिया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस इस पर्सन ने नहीं समझा आपके रिश्ते का, वो ये फिर से उस चीज़ को करना चाहेंगे, इम्पोर्टेंस आपको देना चाहेंगे, इस रिश्ते को डीपर लेवल में समझना चाहेंगे, आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो अगर जेन्युइन तरीके से अगर आप इस पर्सन को दिल से चाहते हो कि हाँ ये वापस आए और आप इनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज ये इंसान आएंगे और आपके रिश्ते में आपको सडनली और बहुत जल्द ही पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे, यूनियन नज़र आएगा, प्यार नज़र आएगा,
ठीक है, इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस नज़र आएंगे, आप दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, वो तभी होगा जब अगर आप अगर अभी भी इनका वेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि यू नो कि हाँ आप इन्हें ही चाहते हो। तो चलिए अब हम एंजल के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। नो ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, सो अगर कुछ नेगेटिविटी है या कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं तो वो सब आपको सोचना नहीं है। यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं अपने विजन को क्लियर रखो, क्या चाहते हो। अगर इस पर्सन को चाहते हो तो ठीक है वो क्लियर रखो, अगर नहीं चाहते हो तो वो भी क्लियर रखो कि ये पर्सन हमें नहीं चाहिए, हमें कोई न्यू इंसान चाहिए, न्यू लव चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहो कि इनका भी वेट करते हैं फिर न्यू भी कोई देखते हैं। एंजल्स आपको बता रही है कि अपना एक फोकस पॉइंट बनाओ। ठीक है, तो क्योंकि जब क्लियर रहोगे तभी अगर इस पर्सन को चाहोगे क्लियर रहकर तो ही ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन अगर आपका यू नो अब मन नहीं है कि इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करो तो आप क्लियर रहो कि नहीं ये इंसान हमें नहीं चाहिए, ठीक है हमें कोई न्यू लव चाहिए। तो उस तरीके से आप अपने माइंड सेट को क्लियर रखें, ठीक है, और अपना एक फोकस पॉइंट बनाएं। देर इज समथिंग बेटर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होना है, आपको यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना है कि हाँ इसी पर्सन के साथ इसी स्पेसिफिक इंसान के साथ होना है। आपको बस इतना सोचना है कि जो भी आपके लव लाइफ में होगा वो सबसे बेस्ट होगा और जो आप डिजर्व करते हो जैसा लव लाइफ आप चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको अपने मन में रखनी है, किस इंसान से मिलेगी, कब मिलेगी, कौन आकर आपको प्यार करेगा, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बस इतना सोचना है कि आपकी लव लाइफ में आप बेस्ट डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगा चाहे किसी भी इंसान से मिले। ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट आपको रखना है, ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना है, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। तो अगर अभी आप कुछ इंपल्सिवली डिसाइड कर रहे हो तो अभी आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लो। ठीक है, अभी सही वक्त नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्परेट नहीं होना है और ज़्यादा यू नो इम्पल्सिव नहीं होना है। ठीक है, तो अगर अभी आपका बहुत सेपरेशन है, ठीक है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्दी यू नो ये पर्सन वापस आ जाए, तो आएंगे ज़रूर लेकिन सही वक्त पर आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एंजल्स आपको ये कहना चाह रही है, लेकिन होगा ये बहुत जल्दी। ठीक है, बस नॉट द राइट टाइम मतलब आज कल या एक हफ्ता, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल वन, हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके साइन एरीज, वीर्गो, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर है, सन, मून, राइजिंग या वीनस में, यानी कि मेष, कन्या, कुंभ, सिंह, मकर या कर्क, या फिर आपने इंट्यूटिवली स्पिन कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है डीपर लेवल पर आपके लिए, और फुल मून इफेक्ट जो है वो किस तरीके से आपके कनेक्शन में निकल कर आ रहा है, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट मूव होगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, नेक्स्ट बैच के लिए आप इनरोल करना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टा आईडीज पर। तो चलिए देख लेते हैं, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो करंट फीलिंग्स देख लेते हैं सबसे पहले, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखें अपने पर्सन के ऊपर। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। टू ऑफ कप्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
वी हैव थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइंस है वो मैं बता देती हूँ, जो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई लियो सजिटेरियस कैप्रिकॉन। ओके, ये कुछ साइंस हैं जो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको मुझे नज़र आ रहा है फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, या फिर वो इंसान आपके साथ बॉन्ड को ना अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत हेजिटेटेड है करंटली। करंटली वो सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, क्या आप उनसे फिर से दोस्ती करोगे, क्या आपके साथ बात करना या आपको मैसेज करना सही होगा, कैसे करें। तो एक हेजिटेट वाली एनर्जी है, जहाँ पर इमोशनल लेवल पर फील तो कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, ओके, बट दे आर हेजिटेटेड, ठीक है, कि कैसे करें, अप्रोच करना सही होगा या नहीं, अगर करते हैं तो आप उस तरीके का रिस्पॉन्स इन्हें दोगे या नहीं दोगे। तो बहुत कश्मकश में ये इंसान फंसे हुए हैं करंटली, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप तक आगे आना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं ये इंसान, बट हेजिटेटेड है कि कैसे करें, करना सही होगा या नहीं, और करते हैं तो आप रिस्पॉन्स दोगे या नहीं दोगे। इस चीज़ में ये इंसान अटके हुए हैं, चाहकर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, चाहकर भी इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। करंटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत कुछ शेयर करें रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में भी हो सकता है कुछ ऐसी फीलिंग्स या कुछ ऐसी इच्छाएं जो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं लेकिन बहुत टाइम से नहीं कह पा रहे हैं। तो एक पहाड़ बन गया है इनके फीलिंग्स का, इनके बातों का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ढेर सारी कम्युनिकेशन ये इंसान करना चाह रहे हैं, ढेर सारी बातें, आपको बहुत कुछ मुझे लगता है कि आप दोनों से बेस्ट फ्रेंड्स भी हो, भले ही अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है दोस्ती आप दोनों की पहले से है, प्यार तो है लेकिन दोस्ती सबसे पहले है आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये इंसान को कभी शांति नहीं मिलती है जब तक ये इंसान सब कुछ आपको खुल के नहीं बताते। तो ये इंसान आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, ढेर सारा बात, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या चाइल्डिश बातें, कुछ भी। तो अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो, तो भी ये इंसान जो है बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिख सकता है कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अगर इनका मन होता तो ये इंसान मैसेज कर ही देते या कॉल कर ही देते या मिलने ही आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन की हेजिटेशन इस पर्सन को पीछे खींच ले रही है, जिसकी वजह से ये चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, चाह कर भी आपको शो नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं ये इंसान। ओके, ये चीज़ है बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है करंट फीलिंग्स में, ये इंसान आपके साथ ना अपना बॉन्ड जो है उसको और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं, या फिर अगर कुछ हुआ है, लाइक बहुत झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, उन सारी चीज़ों का सुलह करना चाहते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, ठीक है, यूनियन में आ जाओ, पैचअप हो जाए आप दोनों का, फिर से आप लोग एक लवली कपल की तरह कंटिन्यू करो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे है। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या फिर अनकन्फेस्ड सिचुएशन में अटके हुए हो, उनके लिए वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। और करेंटली मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर उनका कोई फ्रेंड है, तो वो उनकी मदद लेना चाह रहे हैं, या फिर उनसे बातचीत करें, डिस्कस करें कि कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो वो इंसान मुझे लग रहा है ऐसे वाले एनर्जी में कि उन्हें आपको प्रपोज करना है जल्द से जल्द, उन्हें मन हो रहा है कि वो आपको कन्फेस कर दे अपने दिल की बातें, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मन में डर होता है, कोई कोई शर्मीले होते हैं, कोई कोई इगोइस्टिक होते हैं, कोई कोई हेजिटेंट हो जाते हैं कभी कभार। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चाहते हैं, और फिर से आप दोनों के बॉन्ड को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ में इन्जॉय करना शुरू करो, गिले शिकवे सारे हट जाए आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी है तो हट जाए आप दोनों के बीच में, और आप दोनों बस एक दूसरे में कंसंट्रेटेड रहो, और एक दूसरे में ही आप दोनों इन्जॉय करो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये इंसान आपका समय चाहते हैं, ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, ये इस पर्सन की करंट फीलिंग चल रही है। बिकॉज ये इंसान खुश नहीं है अगर ये इंसान आपसे दूर है, अगर ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, ये इंसान खुश नहीं है। ये इंसान का जो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इस इंसान का फोकस सिर्फ और सिर्फ आप हैं, भले ही इनको कितना कुछ मिल रहा है लाइफ में, मुझे लग रहा है कि ये इंसान लाइफ में हो सकते हैं बहुत ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देन वो हैप्पीनेस इस पर्सन को नहीं मिल रही है जो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ मिलती है, आपसे बात करके, आपके साथ रहकर, आपसे प्यार करके,
तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खा रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये चाहते तो हैं आपकी तरह बढ़ना, लेकिन मन में डर है कि पता नहीं आपने अगर यू नो इन्हें इग्नोर कर दिया, या फिर आपका रिस्पॉन्स अगर इन्हीं की तरह नहीं रहा, अगर आप इनके तरफ आप इंटरेस्टेड रहे नहीं तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, मतलब अगर आप अब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत जल्दी और फिर वो यू नो बहुत साल तक वो मेमोरी इनके दिमाग में रह जाती है और फिर खुद यू नो खुद ही इनर गिल्ट में चले जाते हैं, तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि फुल मून इफेक्ट आपके कनेक्शन में किस तरीके से निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, देख लेते हैं। कम्युनिटी नंबर 7, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, इन यंग नंबर 22, वाओ। तो देखिए आपके कनेक्शन में चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप दोनों सेम पेज पर आ रहे हो। अगर मन में कोई गुस्सा है, मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी आप दोनों की बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये तो फुल मून चला गया, इसका जो इफेक्ट है अच्छी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों ग्राउंडेड फील करोगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लियर फील करोगे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के इमोशंस को लेकर। लेकिन आपके पर्सन जो है डायरेक्ट नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे, या तो वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद लेंगे, या फिर अगर आप ब्लॉक्ड हो या फिर अनफॉलोड हो ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि यू नो फेक आईडी से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फेक आईडी से फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड के अकाउंट से टेक्स्ट करेंगे आपको, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या किसी रिलेटिव के अकाउंट से, ओके। मुझे लग रहा है किसी की मदद लेंगे ये इंसान, नेक्स्ट मूव लेंगे ज़रूर, लेकिन डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको फील नहीं करवाएंगे कि ये कितने ज़्यादा डिस्परेट हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। ये किसी की मदद लेंगे, अगर म्यूचुअल फ्रेंड है या म्यूचुअल रिलेटिव है या कोई भी है, या फिर अगर नहीं भी है तो हो सकता है यू नो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर लें, फेक आईडी क्रिएट करके आपसे बात करें अननोन पर्सन की तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह, ठीक है, ताकि इनको शांति भी मिले आपसे बात करके और आपको पता भी ना चले कि ये इंसान आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी की मदद ज़रूर लेंगे, तो अगर म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव है तो उनकी मदद लेकर डेफिनेटली जो है आप दोनों के बीच में यू नो फिर से पैचअप वगैरह हो जाएगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि वो खुद इंजिस्ट करेंगे उनको कि तुम मेरी मदद कर दो या तुम मेरा हेल्प कर दो, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रहा है, आपके कनेक्शन में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है, जो बैलेंस पहले लैक कर रहा था वो बैलेंस यहाँ पर रीगेन हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। जो चीज़ें आप में कमी थी, जो चीज़ आप इस पर्सन के लिए नहीं कर पाते थे, वो अब आपके अंदर बैलेंस होगी और सेम आपके पर्सन के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में डेफिनेटली बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहा है, साथ में क्लैरिटी इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है नेक्स्ट मूव लेंगे आपकी तरफ बहुत जल्द, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, ठीक है, डायरेक्ट वो आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से आएंगे ताकि यू नो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी हो जाए और उनका इंसल्ट भी ना हो, क्योंकि वो इंसल्ट के डर में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा अगर आपने इन्हें इंसल्ट कर दिया तो, अगर ये वापस आए डायरेक्टली, ओके। सो ये एनर्जीज है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, और साथ में एक ऐसा चेंज नज़र आ रहा है जो कि लॉन्ग टर्म का है, परमानेंट चेंज, ऐसा नहीं है कि यू नो आपका पैचअप हुआ देन फिर से ब्रेकअप हो गया फिर से प्रॉब्लम है, नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेबिलिटी, ये जो क्लैरिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों लंबे समय के लिए साथ में रहोगे या फिर लाइफ टाइम के लिए भी साथ में रह सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप दोनों को कोई ना कोई मीडियम ज़रूर मिलवाएगी या कोई इनडायरेक्ट वे से ही मिलोगे, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दोनों डायरेक्ट वे से या दोनों यू नो झगड़ा करके या सॉर्ट आउट करके बातचीत करके फिक्स नहीं हो पाएगा, या तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, या तो यू नो कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई तो इन्वॉल्व यहाँ होगा, या फिर कोई प्रोफेशनल, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हो लेकिन आपका कोई लीगल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं तो भी मुझे लग रहा है कि फैमिली सपोर्ट एंड यू नो प्रोफेशनल के सपोर्ट से आप दोनों का फिर से जो है ठीक हो जाएगा कनेक्शन, मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आप दोनों फिर से कंटिन्यू करोगे, ओके। सो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। डोंट स्टॉप, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को मत रोकिएगा। अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आपको मन होता है कि आप इस पर्सन को कन्फेस करो, एक्सप्रेस करो, तो बेशक आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलती दोनों तरफ से हुई है जिसकी वजह से बात बंद है या कुछ है,
तो ईगो को बीच में नहीं लाना है, ठीक है। अगर अलग अगर आप हमेशा चेस करते आए हो, ये पर्सन इग्नोर करते हैं, तो वो अलग बात है, तब आपको अपनी तरफ से क्लिंगी नहीं होना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप भी एफर्ट्स नहीं डालते हो, यही पर्सन करते रहते हो और आप बस वेट करके एक्सपेक्ट करते रहते हो, तो आपको भी एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, तो ये एंजल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके कनेक्शन में पीस डेफिनेटली आएगा और आपके लाइफ में भी पीस आएगा। सो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे एक्सपेक्ट करते रहो, बिकॉज आउटकम जो है वो अच्छा ही निकलेगा आपके लाइफ के लिए। ओके, अनलाइकली, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कभी कभार आप बहुत मतलब जो चीज़ आपको सोचनी भी नहीं चाहिए वो भी आप सोच लेते हो, उल्टी फुल्टी चीज़ें। ओके, कभी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, कभी पूरी तरीके से पेसिमिस्टिक हो जाते हो, कभी कुछ सोचते हो कभी कुछ सोचते हो, ठीक है यार। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, तो आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो या जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बने इस इंसान के साथ या ये इंसान आपको ट्रीट करे, ज़रूरी नहीं कि उसी तरीके से चले चीज़ों में डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। तो अपना परसेप्शन, माइंडसेट एंड एक्सपेक्टेशंस अगर हैं आपके, तो उसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें या इंटरप्रेट करें कि कहाँ पर आप थोड़ा ओवर ही सोच बैठ रहे हो, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पाय चू।